खुशामदीद दोस्तों, अनीस अहमद खान आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल देश का आईना में खैर मकदम करता है। खबरें शुरू करते हैं हम। खबरें बड़ी ताज़ी होती हैं, आजकल चुनाव चल रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई खबरें हरियाणा में और महाराष्ट्र में, दो जगह विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, टिकट की मारामारी है, उनकी खबर और थोड़ी आगे उनमें से जुड़ी हुई खबरें जो कि करंट हैं, मैं हम लोग आपके सामने पेश करते हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के बैनर की तरह देश के आईना में। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले और टिकटार्थियों की मारामारी है। हर मौजूदा विधायक टिकट की आस लगाए बैठा है, लेकिन हरियाणा का चुनाव इतिहास बतलाता है कि दोबारा चुनाव लड़ने वाले 50% से ज़्यादा विधायक चुनाव हार जाते हैं। ये इतिहास में इसलिए बतला रहा हूँ कि अभी तक वहाँ चुनाव का बंटवारा नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी, अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी और जो इन लॉर्ड है वो कितने सीटों पर लड़ेगी, ये सब तय नहीं हुआ, चल रहा है, एक आध दिन में तय हो जाएगा। लिहाजा में चुनाव की मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, उनका इतिहास बता रहा हूँ कि वहाँ जो भी चुनाव लड़ा है, जो भी विधायक एक बार बैठा दोबारा चुनाव लड़ा है, तो उसमें 50% ऐसे होते हैं जो चुनाव हार जाते हैं। ये सिलसिला 1977 से चल रहा है, जबकि 1972 के चुनाव में 41% मौजूदा विधायक हार गए थे। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग करके भाषाई बुनियाद पर राज्य का दर्जा दिया गया था। ये देश का 5वां सबसे धनी प्रदेश माना जाता है। बात चुनाव की चल रही थी तो 1977 में से 1972 में जीते 26 विधायकों को टिकट दी गई थी, जो 1977 में खड़े हुए थे 1972, उनको 77 लोगों को टिकट दी गई थी, उनमें से मात्र 2 विधायक ही जीत पाए थे। 24 विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा था, ये यहाँ की हिस्ट्री है। आपातकाल यानी 1977 में इंदिरा गांधी विरोधी लहर के कारण 92.3% विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो गया था। वहीं 1982 में 5वें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर धमाकेदार वापसी की थी, उसके बाद जनता पार्टी बनी थी, वो उसके लोग जीते थे, देवीलाल के लोग, और उसके बाद जब 1982 में फिर से चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस ने बड़ी धमाकेदार वापसी की थी। इस चुनाव के मौजूदा विधायकों में से 55 ने चुनाव लड़ा था, मौजूदा विधायक थे जो, जिसमें 56.3% चुनाव हार गए थे और केवल 24 ही जीते थे, ये सिटिंग MLA थे जो हारे थे, वो सिटिंग MLA थे। 1987 में 66 मौजूदा विधायकों ने चुनाव लड़ा, इसमें से 46 चुनाव हार गए, 20 ही जीते थे, यानी 69% मौजूदा विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा। 1987 में लोकदल से चुनाव लड़ने वाले 34 उम्मीदवारों ने 1991 में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 46 मौजूदा विधायकों ने चुनाव लड़ा जिनमें से 33 हार गए और 13 ही चुनाव जीत पाए थे। हालात 1996 में भी चेंज नहीं हुए, इस बार भी 58 मौजूदा जो विधायक हैं चुनाव लड़े, जिनमें 47 हारे गए और 81% ने हार का मुंह देखा, यानी 81% यहाँ का रिकॉर्ड है कि कोई बहुत कम जो है दोबारा चुनाव जीतते हैं। उसमें एक भजन लाल हैं हुए जो मुख्यमंत्री भी हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो दोबारा चुनाव जीतते थे। इस शताब्दी में यानी 2000 में 65 मौजूदा विधायक चुनाव मैदान में उतरे, 30 जीते और 35 हार गए। 2005 में 58 मौजूदा उतरे और 29 हारे, 19 ही जीते। 2009 में 42 मौजूदा विधायकों ने चुनाव लड़ा, 24 हारे, यानी आंकड़ा 57% ही रहा। मोदी लहर यानी 2014 में 64 ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़े जो 2009 में विधायक रह चुके थे, उनमें से 43 हारे, यानी मोदी लहर जब आई थी, जब पूरा कांग्रेस का हर चीज़ का सफाया होता जा रहा था, वहाँ भी 43 हारे थे, 21 जीते थे, यानी 67.2% सिटिंग MLA ने हार पाई थी उस ज़माने में भी। ये वहाँ का एक समझ लीजिए एक वो है,
उनके ऊपर वो लकुना कहना चाहिए एक चीज़ है या उनके ऊपर एक कहर है खुदाई कि वो आधे हारते ही हारते हैं। आज जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो ज़रा प्रत्याशियों के शैक्षणिक जो योग्यता है उस पर भी बात कर लें जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख लें। और ये बात मैं अब मौजूदा चुनाव के विधायकों की जिन्होंने टिकट सीट में टिकट भरा है जिनको मिले हैं टिकट मिले हैं विभिन्न पार्टियों से उनकी करता हूँ। इस साल हरियाणा में यानी साल 2019 के चुनाव में जो हरियाणा विधानसभा से उम्मीदवार हैं उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट उम्मीदवार कांग्रेस से हैं, वहीं भाजपा अनपढ़ तो नहीं यहाँ 10वीं पास बहुत हैं। वहीं इन दो प्रमुख दलों में 3 अनपढ़ उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी से टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से टिकट दिया गया है। इनमें से 2 कांग्रेस और 1 इंडियन नेशनल लोकदल के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पार्टी वाइज इनको हम आपको बताते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिससे आपको पता लग जाए कि हमारे जो नेता हैं जो राज्य को चला रहे हैं वो कितने ज्ञानी हैं, उनके अंदर कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ज्ञानी तो अनपढ़ भी होता है लेकिन एजुकेशन अगर नहीं मानी जाए, जैसे लोग कहते हैं तो वो तो बिल्कुल अनपढ़ था और सरपंच था और ये था वो था, नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ही चीज़ें आती हैं, वो एजुकेशन कहीं से भी ली गई हो। आगते कांग्रेस में की बात करते हैं, कांग्रेस में 1 अनपढ़ है, 1 सिर्फ साक्षर है, 1 7वीं पास है, 2 उम्मीदवार 8वीं पास है, 13 उम्मीदवार 9वीं पास है और 9 उम्मीदवार 12वीं पास है और 32 इसमें ग्रेजुएट है और 1 11वीं पास है। इसके साथ 4 MA, 22 LLB और 3 PhD भी खड़े हुए हैं, कांग्रेस की बात है। हाँ, करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी टक्कर देने वाले कांग्रेस उम्मीदवार 8वीं पास है जबकि खट्टर ग्रेजुएट हैं। अब भाजपा की तरफ चलते हैं, इनका देख लिया कि क्वालिफिकेशन की ज़्यादातर अनपढ़ 8वीं और 10वीं पास है, चंद ही ऐसे हैं जो ग्रेजुएट और PhD हैं। अब भाजपा की तरफ चलते हैं, वहाँ सिर्फ कम से कम 10वीं पास ही हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। कांग्रेस में अनपढ़ है, उनके यहाँ अनपढ़ कोई नहीं है। 9 जो उम्मीदवार हैं वो 10वीं पास है, 8 उम्मीदवार 12वीं पास है, 31 ग्रेजुएट हैं, 10 MLA हैं, 15 LLB हैं, 3 MBBS हैं और MS है, MBBS और MS 3 हैं, 3 BMS है यानी जो तिब्बी जो होते हैं जो आयुर्वेदिक से हैं वो हैं, 3 डिप्लोमा होल्डर हैं और 1 MPhil है। इतनी क्वालिफिकेशन है। मनोहर लाल खट्टर कुछ ग्रेजुएट हैं और अनिल विज जो मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में वो BSc हैं। मनीष ग्रोवर जो हैं 12वीं पास है। इस तरीके से भाजपा का यानी कांग्रेस से कुछ सुधरा हुआ है, इन लोगों का शिक्षा शैक्षणिक स्तर इनका ऐसा है। इन लोग जो है इंडियन नेशनल लोकदल जो सरकार भी बनाए रही इसके हरियाणा में और ये देवीलाल के जो पुत्र हैं उनकी पार्टी है, लेकिन अब इसमें भी फ्रिक्शन हो गया है। लेकिन इन इंडियन नेशनल लोकदल की हम बात करते हैं, उसमें 1 अनपढ़ है, 1 चौथी क्लास पास है, 4 8वीं पास है, 3 9वीं पास है, 19 10वीं पास है, 1 11वीं पास है, 13 12वीं पास है, 10 ग्रेजुएट हैं, 7 MA हैं और वहीं 10 LLB भी हैं। ये इनका है, इनलेट का, जो सरकार में भी रही है और वहाँ की एक पार्टी होती है जो भाजपा से मिली हुई थी, अभी टूट के अलग हो गई है। इनलैंड से जो एक पार्टी टूटी, इससे भी एक पार्टी टूटी है जिसे जननायक जनता पार्टी कहते हैं, JNNP इसका नाम दिया, जननायक जनता पार्टी है ये, इसी से इनलैंड से टूटी है और देवीलाल के ही खानदान के लोग हैं चौधरियों के। 5वीं पास हैं इसमें 2 और 7वीं पास 4 हैं, 8वीं पास 4 हैं, 9वीं पास 2 हैं, 10वीं पास 10 हैं, 11वीं पास 1 है, 12वीं पास 17 हैं, ग्रेजुएट 24 हैं, उम्मीदवारों के साथ 4 MA हैं, 2 MBBS हैं, 6 LLB हैं और 1 PhD है। अब बताइए मैक्सिमम अगर आप इसमें देखें
तो अनपढ़ और दसवीं पास दिखाई देंगे, जो हमारे पर एक किस्म से हुकूमत नहीं, हम तो कैसे वो हमारे सेवक होंगे, हमारे हम जो बात कहेंगे उनको मानना पड़ेगी, क्योंकि हम उनको जिता के लाते, नहीं वो जीतने के बाद हमारे मालिक हो जाते हैं और वो संविधान चलाते हैं और विधान चलाते हैं और विधानसभा चलाते हैं और वहाँ से फैसले करा करा के देते हैं। फैसले कैसे होते हैं वो आपने देखे हुए हैं, जो दिमाग से कम दिल से ज़्यादा लिए जाते हैं। ये बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि आप वोट देने जा रहे हैं, हरियाणा के लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं और भी लोग, कि इस तरीके से कोई सिलेक्शन का तरीका नहीं है कि आप इस तरीके के हों तो ये आप चुनाव लड़ सकते हैं, पढ़े लिखे हों तो चुनाव लड़ सकते हैं, आप इतना पास होना चाहिए तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी देर में लड़ा के हुआ है कि जो सजा याफ्ता हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वरना क्रिमिनल भी चुनाव लड़ते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी। और अब तो जो वो बात अलग है कि जब यहाँ चुनाव जीत के आते हैं तो क्रिमिनल हो जाते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते। ये थी हरियाणा की एजुकेशनल स्थिति और वहाँ का इतिहास थोड़ा सा जो हमने आपको बताया है। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अगले किसी दूसरे अंक में, दूसरे दौर में आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।